तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, हम तो अपने काम की बात करते हैं। असलियत में श्री राहुल गांधी जी की यात्रा में जो करोड़ों लोग साउथ से लेकर नॉर्थ तक उमड़े हैं और जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद, उम्मीदें, और राहुल गांधी जी की एक इमेज जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है, वो किस प्रकार से बिल्कुल पूरी तरीके से, आज से पहले तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इस बात को बोलते थे, लेकिन आज इस यात्रा ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। इस यात्रा से देश में एक भावना तो जाग गई है कि नफरत खत्म होनी चाहिए, भाईचारे और प्रेम की बात होनी चाहिए, मान सम्मान और देश की एकता की बात होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। वरना नफरत अगर बढ़ गई तो ये देश और ये लोकतंत्र हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, और उसका नुकसान हर व्यक्ति को, हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर स्टेट, हर इलाके के लोगों को होने वाला है। ये देश को समझ में आने लगी और समझ में आ रही है। इस वजह से ही भांति भांति के पैतरे लगाकर किस प्रकार से इस यात्रा को बाधित किया जाए, किस प्रकार से इस यात्रा को रोका जाए, इसकी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी कोशिशें करेंगी। लेकिन आपने शायद श्री राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट नहीं सुना, उन्होंने कहा है कि कितने भी कोशिशें कर ले, ये यात्रा रुकेगी नहीं, ये तो श्रीनगर जाकर ही रुकेगी जहां तक प्रस्तावित। सवाल ये है कि क्या डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है केंद्र की मोदी सरकार, एक तरफ अपनी बीजेपी की यात्रा है उसके ऊपर रोक लगा रही है, और सवाल डबल स्टैंडर्ड का है, क्या डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एजेंडा प्रमुख रहा है, वो तो डबल स्टैंडर्ड पर ही राजनीति करते आ रहे हैं।